का रीज़न ये था कि फाटक बंद था और मैं भावलपुर जो जा रहा हूँ, एक इमरजेंसी पड़ गई है मुझे अचानक से। तो मैं इधर आया था अपने एक दोस्त के पास मुल्तान में। मेरा इरादा तो सुबह को जाने का था, लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे इमरजेंसी है और इसलिए मुझे अभी रात को ही भावलपुर पहुँचना है। तो मैं यहाँ पर आया भी बाइक पर था, तो अब जा भी अपने बाइक 125 पे ही रहा हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि चलो यार, जहाँ अकेला रहा हूँ तो क्यों ना छोटा सा व्लॉग भी बना लूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ कि रात के टाइम यहाँ से भी सफ़र होता है। अब मैं जा रहा हूँ शुजाबाद से होते हुए, तो शुजाबाद में बहुत सी यादें हैं, और जिसमें से जो है मैं राजाराम फाटक पे रुक गया, और वहाँ पर उस फाटक पे ही बहुत सी यादें हैं, उस फाटक से ही वाबस्ता हैं। उस फाटक के पास ही हमारे कुछ सज्जन हैं, उनका घर है। तो खैर, अभी जो है मैं वहाँ से क्रॉस करके अभी मैं आगे रवाना हूँ। ठीक है, ये मैं बाइक के ऊपर जा रहा हूँ। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद वाली ठंड है, लेकिन क्या करें, दूरी है, पहुँचना भी है, जाना भी है। उस हवाले से ये चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। ये तो गाइस हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उनका ये आलम है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, बहुत ज़्यादा फोग है, और फोग के अंदर मैं भी चल रहा हूँ। बहुत बड़ा मसला हो गया इस वक्त रात के तकरीबन 12:00 का टाइम, और बाइक हो गया पंचर, देखें, और हम खज्जल हो रहे हैं फुल टाइम। पार्ट ऑफ लाइफ, देखिए क्या बनता है। दूर दूर तक कोई पंचर वाला है नहीं, और ना ही कोई और मामला नज़र आ रहे हैं। रोड के ना फ्रंट पे कोई है और ना ही बैक पे कोई है। मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। लेट्स सी। फाइनली परमिट पे पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर एक भाई साहब सो रहे थे, उनको उठाया, उनकी रिक्वेस्ट की है कि बाइक वो गए पंचर। ठीक है, तो भाई साहब की मेहरबानी है कि वो अब उठे, और उठ के अब वो जो है आ रहे हैं। जैसे आते हैं तो वो फिर पंचर लगाते हैं, देखते हैं क्या मामला आते हैं क्या नहीं है। इनकी तार शार भी शायद लग रहा है मुझे, टूट गई है। दो पंचर निकले हैं और भाई साहब ने दोनों लगा दिए। फिलहाल देखें क्या बनता है इनका, आगे कहाँ तक जाता हूँ। लगाएं यार, फिट कर दें इसको। रात का टाइम भी हो रहा है और अच्छा खासा हो रहा है, देखते हैं नज़र आ रहा है। अरे तो नज़र नहीं आता, मैं बता देता हूँ। 1:48 हो रहे हैं। ठीक है, 1:48 हो रहा है। तो गाइस मैं अब अपने शहर पहुँच चुका हूँ भावलपुर, जैसे कि आप सब देखते हैं, और ये देख रहे हैं ये फ्लाईओवर है भावलपुर का। और मैं पंचर लगने के बाद हेड ऑफिस से भावलपुर पेंटर हो चुका हूँ। तकरीबन 2:20 हो रहे हैं, और आज 21st है जनवरी की 2023, और बस ये भी आज की रात जो है बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। और बाकी खूबसूरती यहाँ की, हमारे शहर की, आपके सामने है। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत शहर है हमारा, और यहाँ पर 8 महल हैं, जो इंशाल्लाह कभी मैं उसके ऊपर भी व्लॉग बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं अपने शहर में मेट्रो हो चुका हूँ उमर अलहमदिल्ला से, खैर आफियत से। क्योंकि मेरा प्लान यही बन रहा था कि हो सकता है शायद मैं रात को जो है कहीं पर स्टे कर जाऊँ, लेकिन अलहमदिल्ला कि मुझे जो है वो पंचर लग गया मेरे बाइक का, और मुझे जो है वो टाइमली अपने घर तक पहुंचने की रसाई मिल चुकी है। जी हाँ, तो गाइस अब मैं अपने घर भी पहुंच
ये है यहाँ का बेसिकली फरीद गेट, जिसको बीकानेरी गेट भी कहते हैं। और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये बीकानेरी स्ट्रीट भी है। अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, ठीक है। और बहुत सब कुछ क्लोज हो चुका है, में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, और इंशाल्लाह जल्दी बखैर फिर आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अल्लाह नेकबाद।